अरे हो आप वेरी प्रिटी, काफी अच्छे हैं। सही सुनीता, मेरे को एक ब्लैक कॉफी पिलवाओ ना। जी भैया। रीत, पापा मम्मा कह रहे थे कि कल बस सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाए, बाकी सबके पास ये गिफ्ट हैम्पर्स भिजवाने वाले हैं। तो तू एक बार चेक कर लियो कि इसमें कुछ एक आधा आइटम ऐड करनी हो तो, है ना? ठीक है। पापा ने बोला था दोनों ग्रेवाल्स को सबसे मिलवाएंगे, तो भाई वेलकम गिफ्ट भी तो मेमोरेबल होना चाहिए, है ना? वही दोनों नए ग्रेवाल, समझी नहीं मैं। हाँ, वो पापा कह रहे थे कि योहान के साथ साथ ना आरव को भी क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबके साथ इंट्रोड्यूस कल करवाएंगे। क्या हुआ युवराज, ये क्या हो रहा है? युहान की वेलकम सेरेमनी में आरव को क्यों घुसाया जा रहा है? ओ, दोनों भाई साथ साथ होंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है, अरे युहान का कोई भी स्पेशल मोमेंट हो उसमें आरव को घुसा देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि युहान का अगर हम कुछ भी अलग करने जाते हैं ना तो आरव का कुछ छूट जाएगा और उसके पीछे पीछे अटेंशन लेने आ जाती है हमारी कथा। अरे भाई, तुझे कथा से दिक्कत क्या है? अब तो जितनी भी गलत फहमी थी पापा की, मेरी, हम सबकी गलत फहमी सब कुछ दूर हो गई है ना, तू फिर भी उसके खिलाफ ही, मतलब हाँ हाँ, तुम तो कथा की साइड लोगे ही क्योंकि तुम्हारे अफेयर का भांडा नहीं फोड़ा ना पापा जी के सामने। रीत, देख यार, हमने प्रॉमिस किया था ना कि अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की बातें समझेंगे। सॉरी युवराज, पता नहीं ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। अरे तो मुझे बताना क्यों परेशान है? क्यों का ही जवाब नहीं है मेरे पास युवराज। अरे कभी कभी आना जाना आरव का ठीक था, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस घर का हिस्सा बनाया जा रहा है। आरव और कथा दोनों इस घर का हिस्सा है रीत, और कथा के साथ जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब हम दोनों की शादी से पहले की बात है यार, तू तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थी। एमी, तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही युवराज, जब युहान बड़ा होगा ना तब मेरी बात समझ में आएगी। तो तुझे इस बात से दिक्कत है कि आरव के साथ कथा इस घर में आ जाएगी? यार देख, ऊपर वाले ने इस घर को बहुत कुछ दिया है यार, और ये सब हमारे लिए बहुत है, हम सबके लिए। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में आदि भाई का भी बराबर का हिस्सा है, जिस पर आरव और कथा दोनों का पूरा हक है। गिफ्ट देख लियो। लुक एट दिस। ओके, दैट्स गुड, बट आई थिंक हम लोग को कुछ, गाइस मैं निकल रहा हूँ, मेरा लाइक कुछ काम। नहीं, आप जाइए, वर्क इज ऑन ट्रैक। ओके, विवेक तू कब तक फ्री होगा? कथा, अभी एक घंटा तो लगेगा। एक घंटा? ओके देन, मन लगा के काम करो मेरे होनहार बच्चों। ये देखिए, ये किए चेंजेस। या दैट्स बेटर। ये भी बदल देती हूँ यहाँ से, मेक इट लाइक दिस। बट ये इससे पहले आना चाहिए ना? ये वाला ना? जी। व्यान कथा दोनों देर तक काम कर रहे हैं, तो वो व्यान कथा को छोड़ने भी जाए, नहीं यार वो खुद तो कुछ भी नहीं करता, और यार किस्मत भी अपना काम ना ढंग से नहीं कर रही, तो दोस्त को कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक दिन ना भाई दुआओं में याद रखेगा मुझे। थोड़ा और टफ बनाए क्या? ओके। लाइट कैसे चली? मैं पूछ के आता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। रमेश, लाइट को क्या हुआ? सर अभी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, अगर टाइम लगेगा बता देना। जी सर।
Yes. थोड़ा ही काम बाकी है, आप घर जाके मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। लाइट का पता नहीं कितना टाइम लेने वाली है। दो मिनट वेट करते हैं ना, लाइट आ जाएगी शायद। घर जाके करूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आई कैन फिनिश इट, इट्स ऑलराइट। सुबह साथ में चेक कर लेंगे, फिर फाइनल कर देंगे। अभी फ्लो बना हुआ है, खत्म कर लेते हैं, फिर कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। और है ना ये सब लाइट। ये देखिए, ये डिजाइन टेस्ट एक बार देख लीजिए, और ये जो चेंजेस है ना ये। श्योर श्योर, दिखाइए। मुझे लगता है इसमें एक डिजाइन कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं और एक कॉमन सेंस ट्रिक भी बढ़ा देते हैं, समथिंग लाइक दिस। डोंट यू थिंक अगर एक और टेस्ट ऐड करेंगे तो न्यू कमर्स के लिए टफ हो जाएगा? टेस्ट मुश्किल या आसान नहीं होता, आर्किटेक्ट्स अच्छे और बुरे होते हैं। जी जी, थैंक यू। वाह वाह वाह, देखिए देखिए, व्यान रघुवंशी स्वयं हमारे लिए चाय लेके आ रहे हैं। आइए सर, पधारिए, बैठिए बैठिए। आई स्वेयर मैन, यो भाई, ये जो हंसी है ना तेरी, ये प्यार में पागल इंसान की है। एनीवे थैंक्स फॉर दिस भाई, दिल की बात ना होठों पे आते आते रहेगी, लेकिन मेरा भाई समझ जाता है। तुझे कैसे पता मुझे चाय की सख्त जरूरत थी? भाई मेरे साथ तो तेरा कनेक्शन सदियों पुराना है, लेकिन इस जन्म में तुझे कथा के साथ कनेक्शन बनाना है, राइट? तो भाई तुझे क्या कर रहा है? अब आंखें दिखा रहा है। भैया देखो, एक तो मैंने भाई साहब की सेटिंग करी, ऊपर से आंखें दिखा रहा है, और आप भी ना यार, इनको छोड़ना था मैडम को। भैया प्लीज, आप भूल जाइए, कुछ भी बोल रहा है ये। तो सर कम से कम आप हमारी बात सुन लो। अब ऐसे मत देख यार, प्यार हो जाएगा तुझसे भाई, फिर से भाई अपना दिल और अपनी आंखें कथा में फिट कर रहा हूं, कम से कम उसकी तो कदर कर ले। क्या बोल रहा है तू? मैं जितना टाइम तू ले रहा है ना, तेरी जो ट्रू फीलिंग ऑफ लव है ना, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी। श्योर, अट्रैक्शन कम हो सकता है पर प्यार जरूरी नहीं है। वैसे अक्सर लाइफ में यही होता है ना कि आज हम किसी को जितना पसंद करते शायद कल ना करें। Exactly my point. पर मेरे पास एक चीज है जो मैजिक है। कौन सा मैजिक सर? रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट कभी कम ना हो ना, तो प्यार कभी कम नहीं होता। ठीक है वो हनीमून वाला फेज नहीं रहेगा प्यार का, पर प्यार तो रहेगा। अगर रिस्पेक्ट है तो प्यार है। भाई कौन सा प्यार है, मुझे तो नहीं आता यार। ये वैसा प्यार है जो हर मौसम के साथ ना बदले, हर मौसम में साथ दे। सच्चा प्यार एक पेड़ की तरह होता है, गर्मी की मार लगे, तेज तूफानी बारिश की बौछार, या पतझड़ का अकेलापन, पर वो पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर एक दिन बसंत फिर से आ जाता है, और फिर से हर चीज बहुत खूबसूरत हो जाती है। बोल। प्यार में PhD कर रखे भाई तूने। मम्मा ये देखो, ये मैंने ड्रीम कैचर बेबी योहान के लिए बनाया, ताकि उसे रात में अच्छे सपने आए और वो अच्छी नींद सोए। ये स्केच डिजाइन देख रहे हैं, ये प्रिंट है, ओरिजिनल नहीं। मेरा सपना था कि एक बार इसका ओरिजिनल हैंडमेड डिजाइन देखूं। बहुत वक्त तक उम्मीद भी थी, फिर वक्त के साथ साथ लाइफ आगे बढ़ गई और उम्मीद कहीं पीछे छूट गई। होप और रियलिटी का फर्क मैं समझ गई मिस्टर अकुरुण जी, आप भी इस फर्क को समझ जाइए और अपना कीमती वक्त बचा लीजिए।
मम्मा मैं कैसे ही ड्रीम कैचर ना रॉबिन के लिए भी बना लेता हूँ ताकि वो पॉजिटिव रहे और उसे अच्छे सपने आए और एक दिन उसे वो लड़की भी मिल जाए। काश वो लड़की रॉबिन को मेरी नजर से देख पाती, तब उसे पता चलता कि रॉबिन कितना स्पेशल है। स्टेपलर में हाथ क्यों डाला? मैं आपको आवाज देके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाह रहा था, दैट्स इट। Wow! Thank you. This is so cool. ये आपने खुद बनाया? और नहीं तो क्या? आपको पता है क्या है? Dream catcher. Yeah. What's a dream catcher? इसे आप अपने बेड के ऊपर टांग लेना। हम्म। और हर रात जब भी आपको सपने आएंगे, वो इसके अंदर फंस जाएंगे। और सिर्फ अच्छे सपने। हम्म। इसके नेट से गुजर कर, इसके फेदर से लटक कर आपके पास आ पाएंगे। और बुरे सपने उनका क्या? बुरे सपने इसकी नेट की भूल भुलैया में फंस जाएंगे और सनलाइट के पड़ते ही वो भस्म हो जाएंगे। थैंक यू रियली रॉबिन। अब से आप ना सिर्फ अच्छे सपने देखना, जैसे आप अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो और वो आपको यस बोल रही है। That is so sweet. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.